आदाब नमस्कार, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस मौजूदा सरकार को मुस्लिम नाम और मुस्लिम तंजीमों से काफी ज्यादा चिढ़ है, तो इसलिए उन्हें टारगेट करने के लिए हर हर बार इस्तेमाल करती हुई हर बार नजर आती है। और इस्तेमाल करने के लिए मौजूदा सरकार के पास कोई और हथकंडा नहीं है। वो कभी ईडी को आगे कर देती है, कभी सीबीआई को आगे कर देती है, तो कभी पुलिस वालों को आगे कर देती है, जहां उनकी हुकूमत चल सकती है। और उस हुकूमत के चलते वो उस तंजीम को लगातार बार बार टारगेट करती है, जो लगातार आंख में आंख डाल करके उससे सवाल कर रही है। क्योंकि मोदी सरकार लगातार बीते कुछ सालों से उन नामों को तबाह कर देने पर तुली हुई है, जो उनसे सवाल कर रही है और उनकी नीतियों के खिलाफ सवाल उठा रही है। इसी में से एक तंजीम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, यानी कि पीएफआई। पीएफआई जिस तरीके से लगातार कई सालों से काम कर रही है, वो अब सरकार की आंखों में चुभने लगा है। और जब चुभने लगा है तो तमाम हरबे, तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसे खत्म करने के लिए पूरी ताकत जुटाई जा रही है। ऐसा ही कुछ दिन पहले हुआ, जब अचानक से देश भर में पीएफआई के दफ्तर, उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं के घर पर लगातार छापेमारी की गई ईडी की। और ईडी की छापेमारी के बाद जो जबरदस्त रिएक्शन जनता का देखने को मिला, वो लगातार ईडी को नुकसान पहुंचाने वाला लगा। क्योंकि ईडी के लिए वो चली तो गई, पर जनता ने ईडी का ही रास्ता रोक लिया। और जब ईडी का रास्ता रुका तो सरकार के हाथ पैर फूल गए कि जो हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा था वो कहीं अब उल्टा पड़ता हुआ नजर ना आ जाए। और जनता का जिस तरीके से समर्थन मिला है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को, उससे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के भी लगातार ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं, जिसमें से कई लोगों ने ईडी की इस छापेमारी को एक मजाक बताया, तो कुछ लोगों ने इस तरीके से खिल्ली उड़ाई ईडी की, जिसमें से अनीस अहमद, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका एक ट्वीट आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि एक साल से मेरी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, ईडी का शुक्रिया कि उन्होंने इसे ढूंढने में हमारी मदद की। तो आप सोच सकते हैं कि ईडी की जो जबरदस्त तरीके से पूरे देश भर में पीएफआई के दफ्तर, कार्यकर्ताओं के घर, नेताओं के घर, जो कि पीएफआई से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के घर पर छापेमारी की गई। और जब छापेमारी की गई तो जनता का किस तरीके से समर्थन मिला है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। बोलिए, इनके पास मैं बता दे रहा हूँ खुल के, एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का बुकलेट है, जो वर्क बेस पे जो भी वर्क में वर्क होता है, पूरा 2-3 साल का टर्म होता है, वो एक बुकलेट है इनके पास। और इनके पास एक ये क्या बोलते हैं पेपर, ये लेटर पैड है, ब्लैंक लेटर पैड है, वो भी उसमें एक पैड पे सिर्फ लिखा हुआ है कुछ, बाकी सारा ब्लैंक पेपर है उसमें। और एसडीपीआई का एक वाउचर है, वो रसीद टाइप का वाउचर होता है वो है, और एसडीपीआई का एक पंचायत कमेटी का जो लिस्ट होता है वो है, पूरे जाले असेंबली का, पंचायत का, और उनका जो भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो है, उनका आधार कार्ड है, कैसे ले जाए, और जीरोक्स ये लिए हैं, और ये सबका 4 घंटा कंटिन्यू सर्च ऑपरेशन इन्होंने घर के अंदर चलाया है, एक एक गली गली कूचे कूचे घर का जो भी सामान था सबको खोल के इन्होंने चेक किया है, 5.5 घंटा कंटिन्यू। और ये भी बता रहे हैं, नाम नहीं बता रहे हैं, एक अधिकारी का, मैं जो इसमें ईडी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है इसमें, रवि भूषण जी उनका नाम है, इन्होंने हमसे कहा सबका रिसीविंग देंगे आपको, लेकिन ये बाद में सबसे सिग्नेचर करवा लिए, एविडेंस से भी सिग्नेचर करवा लिए, उसके बाद ये रिसीविंग देने के लिए तैयार नहीं है, बोले ये प्रोसीजर नहीं है, रिसीविंग नहीं दिया जाता है, ये इस तरह से बोले। तो फिर पहले वादा की सिग्नेचर लिया है तो आपको पूर्णिया में भी अच्छा पड़ा है, वहाँ दिया गया, यहाँ क्यों नहीं देंगे, सब जगह दिया, नहीं पता जहाँ भी होता है वहाँ देता है, रिसीविंग में भी दिया है, मेरे अभी फेसबुक पर लिस्ट है। जब आपने रेड मारा है, आपके पास राइट है, रेड मार सकते हैं, आपने वारंट लाया है, मार सकते हैं, उसके बाद सर्चिंग के बाद आपके पास क्या मिला, नहीं मिला, उसका एक सीजर लिस्ट देना है कि हमारे घर में एक बुकलेट मिला ना, इट्स आप लिख के दिए, हमने एक बुकलेट मिला, उसके अलावा कुछ नहीं मिला, एक वाउचर मिला, वो वाउचर मिला, वो लिख के देना, हाँ लिख के देना भाई, लिख के चाहिए हम लोग, ये चीज मिला पहले, मैं इनको बोला हूं तो ये बोले हम सब देंगे आपको। मेरा नाम तौसीफ हुआ,
मेरा नाम तौसीफ है। हम एक मेंबर हैं, मेडिकल इंचार्ज भी हैं यहाँ के बिहार के। जी, मेरा नाम मुअज्जम मुख्तार है, मैं भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ। चलिए अभी जब तक फाइनल, चलिए आपने कहा है चाहेंगे तो दीजिए, हम बोले कीजिए। तो दोस्तों आपने देखा कि ईडी की इस छापेमारी के बाद जनता का जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला। कई जगह पर जान बचाकर के ईडी के कार्यकर्ताओं, ईडी के अधिकारियों को भागना पड़ा कि कहीं कोई उल्टा पैतरा ना पड़ जाए। तो कहीं पर दबंगई तरीके से ईडी भी नजर आई, तो कहीं पर जनता ने ईडी की दबंगई को ही धाराशाही कर दिया। और इस चीज को देखते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद का एक बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है अनीस अहमद ने, एक बार उस पर भी नजर डालनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो के जरिए मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की नेशनल लीडरशिप की तरफ से हमारे सारे मेंबर्स, हमारे सारे सपोर्टर्स और हमारे सारे वेल विशर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि कल पूरे इंडिया के अंदर इस बीजेपी सरकार ने ईडी का इस्तेमाल कर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस पर रेड किया। जब ये रेड्स हुए, हमने देखा पूरे इंडिया के अंदर आवाम सड़कों पर उतरी और हमारे मेंबर्स, हमारे सपोर्टर्स, हमारे वेल विशर्स, हर कोई जो हमसे मोहब्बत करता है, रस्ते पर उतर कर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये बात बताया कि जब भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर ऐसा जुल्म किया जाएगा तब लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सपोर्ट में आगे आएंगे और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को डिफेंड करेंगे। ये जो आवाम का सपोर्ट है, ये हमें हिम्मत देता है आगे जाने के लिए और अपनी जो हक की लड़ाई है इसको जारी रखने के लिए। मैं आज आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं। पहली बात ये, आप जानते हैं ये जो गवर्नमेंट आज इंडिया के अंदर है, चाहे स्टेट में हो या सेंटर में जो बीजेपी की सरकारें हैं, ये डिसेंट को पसंद नहीं करती, ये ऑपोजिशन को पसंद नहीं करती, मुखालिफत को पसंद नहीं करती। एक डेमोक्रेसी के अंदर हर एक इंडिविजुअल, एक संगठन को हक है किसी भी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के लिए। लेकिन ये जो बीजेपी सरकारें हैं, ये लोग एक तानाशाही डिक्टेटरशिप तरीके से लोग काम कर रहे हैं। इन्हें ऑपोजिशन पसंद नहीं, इन्हें क्रिटिसिज्म पसंद नहीं, इन्हें डिसेंट पसंद नहीं। जब भी कोई इनके खिलाफ बात करता है उनको उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, उनको हैरेस किया जाता है। सीए प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल थे या जो जो लोगों ने सीए के खिलाफ बातें की, एक एक कर को उनको टारगेट किया गया। पॉपुलर फ्रंट को हम देखते हैं, पॉपुलर फ्रंट को भी टारगेट किया जा रहा है क्योंकि पॉपुलर फ्रंट गवर्नमेंट की जो जो एंटी पीपल पॉलिसीज है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज है, उसकी हम मुखालिफत करते रहते थे। तो ये एक बहुत ही खराब ट्रेंड है। दूसरा चीज, अगर ये लोग सोचते हैं कि टारगेट सिर्फ पॉपुलर फ्रंट का होगा तो ये गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर फ्रंट को टारगेट नहीं किया जाएगा, बल्कि हर वो संगठन जो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट के पॉलिसी के खिलाफ बात करेगा उसे टारगेट किया जाएगा। क्योंकि ये एक फैसिस्ट सरकार है, फैसिज्म किसी का भी सगा नहीं होता। एक एक कर हर किसी को फैसिज्म अपना दुश्मन बनाएगा। फैसिज्म संघ परिवार को छोड़कर हर एक किसी को टारगेट किया जाएगा। आरएसएस और उसके जितने भी संगठन हैं, इन सब को छोड़कर हर किसी को टारगेट किया जाएगा। तो यहां जो प्रॉब्लम पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करना नहीं है, इंडियन डेमोक्रेसी को टारगेट करने का यहां पर प्रॉब्लम है। हमारी जिम्मेदारी होनी है कि हमें डेमोक्रेसी को बचाना है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को डेमोक्रेसी देना है। इसलिए ये फैसिज्म के ट्रेट को हमें समझना जरूरी है। और एक बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि ये जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज को अपना टूल की तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। आज आप देखेंगे एनआईए, ईडी एक जमाने में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हुआ करती थी, लेकिन आज क्या है, आज ये लोग बीजेपी के एक हथियार बन गए हैं, बीजेपी के एक पर्सनल एजेंसीज बन गए हैं। जिन जिन लोगों से बीजेपी को अपना गुस्सा निकालना है या जिन जिन लोगों पर बीजेपी को टारगेट करना है, आरएसएस को टारगेट करना है, उनके पीछे ईडी, एनआईए और अलग एजेंसीज को छोड़ देते हैं। इससे नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान एजेंसीज का इमेज का हो रहा है। आज इंडिया में आप देखेंगे एनआईए, ईडी क्या हो गया, एक मजाक हो गया, कोई भी इनकी इज्जत नहीं करता, क्योंकि इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को छोड़कर एक पार्टी की ड्यूटी के पीछे लोग लग गए हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आपकी लॉयल्टी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के पीछे वापस जाना पड़ेगा। और एक बात मैं इंडिया के आवाम के सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि मुल्क के अंदर जो ये मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है, वरना ये जो हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी है हाथ से चली जाएगी। ये जो तानाशाही डिक्टेटरशिप निजाम यहां पर चल रहा है, ये लोग हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करेंगे। तो मुल्क के आवाम की जिम्मेदारी है इसके खिलाफ बात करें। आखिरी बात मैं वापस रखना चाहता हूं कि ये जो भी हैरेसमेंट पॉपुलर फ्रंट पर हो रहा है, अगर ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसा एक हैरेसमेंट करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अपने रास्ते से हट जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, तो आपकी गलतफहमी है।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पास एक आवाज है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आवाम की आवाज है। जब भी मुल्क के आवाम पर कुछ भी तकलीफात आएगी, पॉपुलर फ्रंट उनके लिए खड़े रहेगी। जब भी मुल्क के संविधान की हिफाजत की बात आएगी, जब भी मुल्क के डेमोक्रेसी की हिफाजत की बात आएगी, पॉपुलर फ्रंट हमेशा सबसे आगे रहेगी। और इस तरीके के टैक्टिक्स, इस तरीके के मिसयूज ऑफ पावर से हम खामोश रहने वाले नहीं है। हम हमारा जो हक की आवाज है उस हक की आवाज को उठाते रहेंगे, हर वो डेमोक्रेटिक और लीगल मीन है उसको हम इस्तेमाल करते रहेंगे। और जिस तरीके से आवाम ने हमें सपोर्ट किया, इस सपोर्ट हमें हमारे साथ और आगे जाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। मैं आवाम से वापस गुजारिश करता हूं कि इस तरीके का सपोर्ट हमेशा कायम रखे और साथ में हम मिलकर हमारे मुल्क के डेमोक्रेसी की प्रोटेक्शन करेंगे। शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि अनीस अहमद ने साफ तौर पर उन लोगों का शुक्रिया अदा किया है जो लोग इस वक्त में पीएफआई के साथ खड़े हुए हैं, और पीएफआई के ऊपर हुई कार्रवाई को अनीस अहमद ने पूरी तरीके से निराधार बताया, क्योंकि अब सरकार को डर लगने लगा है सवाल पूछने वालों से। और जब सवाल पूछने वालों से डर लगने लगेगा तो इसी तरीके से कभी ईडी, कभी सीबीआई, तमाम तरीकों से डराने और धमकाने की कोशिश की जाएगी। मैं पीएफआई से जुड़ी हर एक अपडेट को लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।